वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। विद मी गौरव चौहान, और आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवन का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशंस का सेक्शन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और आज हम इसका सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक की बुक एक्सरसाइज, जिसका नाम है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके बुक एक्सरसाइज और इसके सॉल्यूशंस को, जिसमें फर्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज इट हैज ऑप्शन ए इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डेट इज ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इफेक्टेड व्हेन देयर इज ऑप्शन ए ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, बी मल्टी पार्टी सिस्टम, सी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन ए ओनली वन पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रूल ऑफ लॉ मीन्स स्पेशल लॉ फॉर इलेक्टेड लीडर्स, बी सेम लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स, सी स्पेशल लॉ फॉर रूलिंग द कंट्री, और ऑप्शन डी व्हेन आर्म फोर्स रूल अंडर द कंट्री। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन बी सेम लॉ फॉर ऑल द सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क मीन्स देयर इज ऑप्शन ए पॉलिटिकल इक्वालिटी, बी सोशल इक्वालिटी, सी इकोनॉमिक इक्वालिटी, और डी रिलीजियस इक्वालिटी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका क्या फर्स्ट फिलअप हमारा क्या होगा, लेट अस सी। द इंडियंस डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर कंट्री। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं, दी डैश इज द डैश हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, सी द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ बाउंडेड लेबर रिस्ट्रिक्टेड डैश फ्रीडम। ठीक है, कौन सी फ्रीडम करते हैं, डैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन्स कैन वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ डैश ईयर। देखिए बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आपको शायद पता भी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए इसका क्या आंसर होगा, डैट इज 18 ईयर्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डैश गिव द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर इंडिया। ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये किसने दिया था, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डैट इज जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मैच द कॉलम जिसमें फर्स्ट आता है हमारा कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे हैं, रोसा पार्क, अडल्ट इन इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड मिड डे मील। और कॉलम बी में देखते हैं स्पेशल स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए, सी 18 ईयर्स एंड अबव, एंड डी फॉट फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, रोसा पार्क का डेथ, सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए, अडल्ट इन इंडिया 18 ईयर्स एंड अबव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉट फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट, मिड डे मील, स्पेशल स्कीम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको एरो के थ्रू दिखाया हुआ कि कौन किसका मैचिंग होगा, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं विद न्यूमरल्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। अभी अभी हमने अपने जो है उसमें भी देखा था अपने फिलअप्स में, ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, डेट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, राइट द नेम ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, डेट इज द नेम ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फर्स्ट द लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड इज जुडिशियरी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच रेवोल्यूशन लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी एंड वॉट वॉज द मेन स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है आई थिंक वो दो दो बार आ गया है, कोई बात नहीं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड द स्लोगन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो कौन सा होगा, डेट इज आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द इंडिया फॉलो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका सही आंसर होगा, लेट अस सी। इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज विच मीन्स दैट ऑल द अडल्ट सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। तो इसका क्या आंसर होगा, लेट अस सी। इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट मीन्स दैट ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री आर प्रोवाइडेड विद द सेम
राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी क्या है? ठीक है, सोशल इक्वालिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग डेट ऑल द इंडिविजुअल और ग्रुप विद इन अ सोसाइटी हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मूवमेंट स्वेप्ट थ्रू वेरियस नेशन डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर वुमेन इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी? तो कौन सा मूवमेंट है? दैट इज सुफ्रागेट्स मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्टेप हैव गवर्नमेंट इन इंडिया टेकन टू ब्रिंग द सोशल इक्वालिटी? तो इसका क्या आंसर होगा? द वेरियस स्टेप हैज बीन टेकन। फर्स्ट, असम सीट्स आर रिजर्व इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड, अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम। देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल एज वेल एज इन द गवर्नमेंट जॉब्स। फोर्थ, द राइट टू एजुकेशन बिल हैज बीन पास्ड। एंड द लास्ट वन इज द चाइल्ड लेबर एंड द फूड सिक्योरिटी बिल हैव आल्सो बीन पास्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज द इकोनॉमिक इक्वालिटी मींस? इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर्स टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन अ सोसाइटी विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग दिस पार्टीज इन इनकम, वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश पॉलिटिकल इक्वालिटी थ्रू प्रोविंसेस सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन लेजिस्लेचर एंड गारंटीज ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दिस मेजर एंश्योर दैट द एवरी इंडिविजुअल सिटीजन हैज द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और आइडेंटिटी एंड दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द लॉज। हाउ इज सोशल इक्वालिटी सॉट टू बी अचीव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंडेवर्स टू अचीव सोशल इक्वालिटी थ्रू वेरियस मेजर्स एम्बेडेड विद इन इट्स फ्रेमवर्क। इट्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स सच एज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक रिलीजियन, कास्ट और जेंडर। एडिशनली, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DPSP प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द स्टेट टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिजर्वेशन पॉलिसीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मेजर एम टू अपलिफ्ट मार्जिनाइज कम्युनिटीज एंड एंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन। By abolishing untouchability and advocating for the welfare of the socially and educationally backward classes, the Constitution strives to create a more inclusive and egalitarian society where all citizens have equal opportunities and rights. Next question की तरफ चलते हैं। What is meant by the economic equality and how it is sought to be achieved? Economic equality refers to a state of affairs where all the individual or group within a society have access to same economic opportunities, resources and outcomes regardless of factors such as income, wealth, social status and background. It entails reducing disparities in income, wealth distribution and standard of living among members of society. Economic equality is sought to be achieved through various policies and measures aimed at promoting equitable access to resources and opportunities. They may include progressive taxation system, redistribution of wealth through social welfare programs, minimum wages though, affirmative action policies and investment in education and skill development, promotion of entrepreneurship and small business, and measures to address structural barriers that perpetuate inequalities. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमने इसको जो अपने वेरी शॉर्ट में भी देखा था, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, इट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। इट इज कंपोज ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा विद द प्रेसिडेंट एज द हेड। द पार्लियामेंट पासेस लॉ ऑन द मैटर्स दैट लाय इन इट्स ज्यूरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव विच इंप्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड द थर्ड इज द जुडिशियरी इन इंडिया विच एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इट्स इंडिपेंडेंट एंश्योर अ फ्री एंड अ फेयर सोसाइटी अंडर द रूल ऑफ लॉ। द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड टू पनिश देयर वायोलेटर्स। इट एंश्योर द गवर्नमेंट रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट द न्यू लॉज आर मेड इन अकॉर्डिंग विद द गाइडेंस और द गाइडलाइंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिविलेज हैव बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन कीपिंग इन माइंड आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
कीपिंग इन माइंड द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग प्रिविलेज हैज बीन गिवन फर्स्ट एवरी वन इज इक्वल एज पर लॉ एवरी सिटीजन हैज द एक्सेस टू यूज द पब्लिक प्लेसेस अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर अबॉलिश द लॉज एंड सम स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटी टू एंश्योर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी रैम्स आर मेड फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफिस टू एंश्योर दैट द फिजिकल चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट द मिड डे मील स्कीम वॉज प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट रनिंग स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन रिसीव द एडुकेट न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसे हम शॉर्ट पे कहते हैं हॉर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज टू अकोमोडेट वेरियस डिफरेंसेज प्रेजेंट इन आवर कंट्री वाई इट इज सो. The government must accommodate various differences present in our country because society are inherently diverse with individual and communities possessing different identities, background, beliefs and needs. Accommodating these differences is essential for fostering social cohesion, inclusion and harmony within the nation. Failure to recognize or address these differences can lead to a social tension, conflict and marginalization of central certain groups. By embracing diversity and implementing policies that respect and accommodate differences, the government can promote unity and ensure that all the citizens feel valued and represented in the democratic process. Next question is, what is the significance of equality in democracy? So, iska kya correct answer hai, dekhte hain. Equality holds significant importance in democracy because it ensures that every citizen has an equal voice, right, and opportunities within the political system. In democratic society, all the individuals are considered equal before the law and they have equal access to participate in decision-making process through the right of voting, free expression and association. Without equality, democracy cannot function effectively as unequal distribution of power and resources can lead to the marginalization of certain groups and undermine the principle of government by the people. By upholding equality, democracy promotes fairness, justice and protection of human rights, thus fostering social stability, trust in institution and legitimacy of the government. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्लास सेवन्थ का सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने अपने सॉल्यूशन देखा. ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा. ठीक है, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा. और इसके अलावा अगर आपको इस वीवा सोशल साइंस पब्लिकेशन के अलावा किसी और बुक का भी, किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आपको अगर कंटेंट अगर चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए. हम बहुत ही जल्द आपको जो है उसका भी सॉल्यूशन आपको जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे. तब तक आप अपना ध्यान रखिए.